Hi everyone, welcome to AdoTap. I am Patibha Sharma and yes, welcome to the series we are working on specially for RBI Grade B 2023. सो आई होप कि इस सीरीज का टाइम तो आपने अपने टाइम टेबल में फिक्स कर ही लिया है, बिकॉज डेली अपना हाफ एन आवर देना इतने इंपॉर्टेंट सेक्शन को इज नॉट अ बिग डील, राइट? और इस सीरीज की तो वीडियो डेली ही आपके पास अवेलेबल है ओनली एट आवर यूट्यूब चैनल. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. तो ये आप लोगों का होमवर्क था. क्या आंसर आया आप लोगों का? थर्ड ऑप्शन. तो थर्ड वन इज करेक्ट. अगर यही आंसर है देन वेरी गुड, दैट मीन्स कि आपने सिलॉगिज्म वाला टॉपिक तो कवर कर लिया है एंड नाउ यू कैन मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक. तो आज का हमारा टॉपिक है इन इक्वालिटीज. पार्ट वन है जिसमें हम बेसिक्स को कवर करेंगे, ठीक है. जनरली देखो इस टॉपिक के ना क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, मतलब देखते ही आप सॉल्व कर सकते हो. पर आप लोगों को इशू क्यों आता है? मान लो 5 क्वेश्चन गिवन है ना, 5 में से आपने 3 तो बना लिए पर बाकी 2 में फंस गए, या फिर 5 में से 5 भी बना लिए पर इसमें ही इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया कि मुश्किल क्वेश्चंस के लिए टाइम ही नहीं बचा. पर आज की क्लास के बाद आपके 5 out of 5 सॉल्व भी होंगे एक्यूरेसी के साथ, और वो भी कम टाइम में. देखो फिर कैसे. ये आपके सामने क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, आपके पास स्टेटमेंट गिवन होती है, कंक्लूजन गिवन होंगे. तो स्टेटमेंट को पढ़ के यू हैव टू टेल कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो हो रहा है या नहीं, ठीक है. डायरेक्टली आई विल टेल यू कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज एग्जाम में हमारा मोटिव क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करना. देखो फिर कैसे. मेनली ना हम 3 स्टेप्स में इन इक्वालिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वन इज वे इज क्लियर, ठीक है. वे इज क्लियर का मतलब कि क्या आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जा सकते हो. जैसे एग्जाम्पल देखो, ए और डी का रिलेशन बताना है आपको, है ना. तो क्या आप ए से डी पे जा सकते हो? और वो कैसे जाओगे? जो आपका ये साइन होता है ग्रेटर देन, ठीक है, जिसकी तरफ भी ये मुंह खुला होगा इसका, दैट मीन्स कि आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे जा सकते हो. आपका वे क्लियर है, ठीक है, जिस भी साइड से इसका मुंह खुला होगा. अब ए और डी में किसकी साइड खुला है? डी की तरफ, ठीक है. अब स्टेटमेंट में आपको डी से ए तक चेक करना है. देखो फिर कैसे. डी से सी पे जा सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वे क्लियर है, ठीक है. सी से बी पे जा सकते हो और बी से ए पे जा सकते हो, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप क्लियर, वे इज क्लियर और नॉट. साइन सेलेक्ट आप लोग बाद में करना, पर अभी के लिए यही वाला स्टेप फॉलो करो, ठीक है. नेक्स्ट देखो, ई से आई किसकी तरफ से चेक होगा? ई की तरफ से. तो ई से आई चलते हैं. ई से एफ पे जा सकते हैं, एफ से जी पे जा सकते हैं, पर जी से आई पे हम नहीं जा सकते. क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वे क्लियर नहीं है, ठीक है. तो ये कंक्लूजन ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया, क्योंकि जब फर्स्ट स्टेप ही नहीं क्लियर हुआ तो आप सेकंड पे कैसे बढ़ोगे, ठीक है. सेकंड स्टेप पे भी आप तभी जाओगे जब आपका वे क्लियर होगा, ठीक है. नेक्स्ट का बनाओ, बी और ई का. देखो किसकी साइड से चेक होगा? ई की तरफ से, क्योंकि ई की तरफ खुला है. चलो फिर ई से बी चलते हैं. ई से डी पे जा सकते हैं, बिल्कुल. डी से सी पे और सी से बी पे. तो वे क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है. तो यहाँ पे मार्क लगा लो कि फर्स्ट और थर्ड के तो वे क्लियर थे. नेक्स्ट चलो, सी से आई किसकी तरफ से चेक होगा? आई की तरफ से. चलो फिर आई से जी पे जा सकते हैं, पर जी से एफ पे हम नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि वे क्लियर नहीं है, रास्ता बंद हो गया, ये चीज आ गई, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये कंक्लूजन गलत हो गया. साइन भी आप तभी सेलेक्ट करोगे जब ये स्टेप क्लियर हो जाएगा आपका, कि वे क्लियर है, अच्छा अब करो साइन सेलेक्ट, ठीक है. पर सेकंड और फोर्थ में तो वे क्लियर नहीं था, तो वो कंक्लूजन ऑटोमेटिकली क्या हुए, गलत हो गए. चलिए तो फर्स्ट और थर्ड का ये वाला स्टेप तो क्लियर है. अब सेकंड परफॉर्म करते हैं, दैट इज योर साइन सेलेक्शन, ठीक है. अब साइन कैसे सेलेक्ट करोगे? देखो मेनली आपके पास ये साइंस होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू और इक्वल टू. अब इसे ना हम रैंकिंग दे देते हैं, ठीक है, इन साइंस को.
फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये आया, थर्ड पे ये, यहां भी सेम होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट कौन आता है, जिसका स्कोर ज्यादा होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि स्कोर किसका ज्यादा है, फर्स्ट वाले का, ठीक है। तो कौन सेलेक्ट होता है, किसका सिलेक्शन होता है, जिसका स्कोर ज्यादा होता है, और वही आपको करना है, स्कोर ज्यादा से ज्यादा करो और सिलेक्शन लो। देखो, जब भी आपके पास फर्स्ट और सेकंड में से पूछा हो कि कौन सा साइन सेलेक्ट होगा, कौन सा होगा, जिसके पास स्कोर ज्यादा है, दैट इज फर्स्ट वन, ठीक है। अगर आपके पास सेकंड और थर्ड में से आ गया तो किसे सेलेक्ट करोगे, सेकंड वाले को, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों ही इकट्ठे आ गए, फर्स्ट भी आ गया, सेकंड भी आ गया, थर्ड भी आ गया, तो किसे करोगे, ऑलवेज फर्स्ट वन, ठीक है। जिसका स्कोर ज्यादा है उसे सेलेक्ट कर लो। अब यही चीज यहां पे अप्लाई करो, करिए फटाफट से। इसमें से कौन सा सेलेक्ट होगा, फर्स्ट वन, और सेकंड और थर्ड में से सेकंड वन, ठीक है ना। सेकंड का स्कोर ज्यादा है थर्ड से, और अगर तीनों ही आ गए तो क्विकली यस फर्स्ट वन, ठीक है। तो ये याद रहेगा कि रैंकिंग दी हमने, जिसका स्कोर ज्यादा है उसे सेलेक्ट कर लिया, क्लियर। अब देखो, फर्स्ट और थर्ड में से अब आपको साइन सेलेक्ट करना। देखो, ए और डी के बीच में कौन से साइन गिवन है, ये वाला और ये वाला, तो कौन सा सेलेक्ट होगा इन दोनों में से। यहां से देखो, फर्स्ट और सेकंड में से ऑफ कोर्स फर्स्ट वन, ये वाला हो गया। तो क्या कंक्लूजन आया कि ए इज लेस देन डी, और वही आपको गिवन है, ठीक है। सो दैट मीन दिस कंक्लूजन इज करेक्ट। क्लियर है सेकंड भी कि साइन कैसे सेलेक्ट होगा। अब बी और ई का देखो कौन सा साइन आएगा। अब आपके पास तीन साइंस गिवन है, तीनों आ गए, देखो किसे करोगे सेलेक्ट फटाफट से। यस दिस वन, फर्स्ट वाला सेलेक्ट होगा क्योंकि इसका स्कोर ज्यादा है। तो क्या बनेगा कंक्लूजन, बी इज लेस देन ई, पर आपको क्या गिवन है, दैट बी इज लेस देन एंड इक्वल टू ई, तो क्या हुआ, ये कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। तो दो स्टेप्स में आपको बेसिक वाले क्वेश्चन करने हैं, थर्ड स्टेप भी आएगा आपका। थर्ड स्टेप मेनली आपका ना आइदर ओर में अप्लाई होता है कि जब दोनों ही कंक्लूजन्स गलत हो जाएं तो आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। वो आइदर ओर में होगा जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर बेसिक में आपको ये दो स्टेप अप्लाई करने, वे इज क्लियर और फिर साइन सेलेक्ट करो, करो फिर दोनों दोनों स्टेप परफॉर्म करेंगे हम इस क्वेश्चन में। चलिए, बी और ई का देखना है, कहां से वे चेक होगा, बी से। अब देखते ही बताओगे। अब आप देखो, बी ये रहा, ई ये रहा, वे क्लियर है, बिल्कुल। साइन सेलेक्ट करो, ये तीन साइंस हैं आपके पास, कौन सा सेलेक्ट होगा, किसकी हायर रैंकिंग थी, इस वाले की, ठीक है ना। तो क्या होगा, बी इज ग्रेटर देन ई, और आपको कंक्लूजन में यही गिवन है, सो दिस कंक्लूजन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए, एफ इज लेस देन एंड इक्वल टू जे, वे कहां से चेक होगा, जे की तरफ से, क्योंकि जे की तरफ से मुंह खुला है। चलिए फिर देखो, जे से एफ वे क्लियर है या नहीं, जे ये रहा, एफ ये रहा, जे से आई पे, आई से जी पे, जी से ई पे, ई से एफ पे, तो वे क्लियर है भाई। साइन सेलेक्ट करो, तीन साइंस हैं आपके पास, करिए फटाफट से इन तीनों में, देखते हैं किसे अब लर्न हो चुका है। ये वाला साइन सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन वैसे आपका क्या बनेगा, एफ इज लेस देन जे, पर यहां पे क्या गिवन है, दैट एफ इज लेस देन एंड इक्वल टू जे, तो ये कंक्लूजन गलत हो गया। ई और एल का चेक करो, पहले देखो वे क्लियर है या नहीं, देखो ई से एल तक जाएंगे, ई से जी पे हम नहीं जा सकते क्योंकि वे ही क्लियर नहीं है, आगे कैसे बढ़े एल तक जब यहीं तक ही नहीं जा सकते। तो देखते ही क्या पता लगा कि ये कंक्लूजन तो गलत है भाई, ठीक है, क्योंकि वे ही क्लियर नहीं है। तो क्या आंसर होगा, इफ कंक्लूजन वन फॉलोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ना ये बिल्कुल पेपर लेवल का क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब इसे एक में कैसे कंबाइन करोगे? देखो, अगर आपको फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करना है तो इट विल बी थ्रू कॉमन एलिमेंट, मतलब दोनों में कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो सेम होगा। देखो फर्स्ट और सेकंड में कौन सा सेम है? टी। दैट मीन्स कि अगर फर्स्ट से मुझे सेकंड पे जाना है तो मैं टी के थ्रू जा सकती हूँ, तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो ए से जेड पे जाना मुझे, किसके थ्रू चलेंगे? टी के थ्रू, ठीक है। चलिए फिर ए से टी पे जाएंगे, टी से जेड पे। फर्स्ट स्टेप करो, वे क्लियर है या नहीं? ए से टी तो बिल्कुल क्लियर है, देखो सारे ही ओपन साइंस है, पर टी से जेड पे वे क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये कॉन्क्लूजन गलत हो गया, ठीक है ना। अगर ना भी पता लगे तो अभी के लिए आप लिख के देख लो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट टी के थ्रू कंबाइन होंगे, क्लियर। के और सी का देखो, कहाँ है के और सी? सी आपका ये रहा, के ये रहा, किसके थ्रू कनेक्ट होगा? कौन सा कॉमन एलिमेंट है फर्स्ट और थर्ड में? दैट इज योर क्यू, ठीक है। मैं आपको एक बार लिख के भी बता देती हूँ, ठीक है। दैट इज योर थर्ड स्टेटमेंट, पी, पी इज लेस देन एन इज इक्वल टू सी, थर्ड स्टेटमेंट हो गई। और फर्स्ट क्यू से उठा लो, दैट क्यू इज ग्रेटर एन इक्वल टू के, कनेक्ट हो गई क्यू के थ्रू। अब देखो सी से के पे चेक करना है, जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो, वे आपका क्लियर है, क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। साइन सेलेक्ट करो, तीन साइंस गिवन है आपके पास, कौन सा सेलेक्ट होगा? दिस वन। तो आई कैन से कि के इज लेस देन सी, और कंक्लूजन में क्या गिवन है, यही पूछा आपसे, तो दिस कंक्लूजन इज करेक्ट। एन और टी का बनाओ, फटाफट से बनाइए। एन देखो कहां पे है, ये रहा, और टी यहां पे भी है, पर सेकंड और थर्ड में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा, नहीं है ना। तो थर्ड और फर्स्ट का देख लो, देखो कैसे जाओगे, एन से टी पे क्यू के थ्रू जा सकते हैं ना, पहले एन से क्यू पे चलो और फिर क्यू से टी पे चलो। चलिए फिर देखो, एन से क्यू तक जा सकते हैं, सारे ही ओपन साइंस हैं, वे क्लियर है, और क्यू से टी पे भी जा सकते हैं, ठीक है भाई, वे तो क्लियर है हमारा। साइन सेलेक्ट कीजिए फटाफट से, देखते हैं किसे क्लिक हुआ है। देखो ऐसे कंबाइन कर लो इसे, के इज लेस देन इक्वल टू क्यू, और फिर ये थर्ड स्टेटमेंट लिख लो, ठीक है ना। नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है, लिख के देख लो, प्रैक्टिस के साथ साथ अपने आप आ जाए। एन से टी पे ये लो, वे क्लियर है एन से टी पे, साइन सेलेक्ट कर दो, कौन सा साइन सेलेक्ट होगा? दिस वन, ठीक है ना। आई कैन से कि टी इज लेस देन एन, ठीक है, पर आपको कंक्लूजन में क्या गिवन है? दैट एन इज ग्रेटर एन इक्वल टू टी, तो वो कंक्लूजन क्या हुआ? ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। सो द आंसर विल बी इफ कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, कितना सिंपल था देखो, ठीक है। नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट आपका 2018 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, बिल्कुल बेसिक पे बेस था, करियो फटाफट से। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास और सेकंड स्टेटमेंट है, किसके थ्रू कनेक्ट होगी, कौन सा कॉमन एलिमेंट है? दैट इज योर आई, दोनों में आई कॉमन है, तो अब करो फिर एम से ई पे चलो, एम ये रहा ई ये रहा, एम से आई पे, आई से ई पे, वे क्लियर दिख रहा है बिल्कुल, बिल्कुल है, सारे ही ओपन साइंस हैं ऐसे। और साइन सेलेक्ट करो, तीन साइंस गिवन है आपके पास, कौन सा सेलेक्ट होगा? दिस वन, ठीक है। सो आई कैन से कि एम इज ग्रेटर देन ई, ठीक है। सो फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट। सेकंड बनाओ ओ से टी पे, वे कहाँ से चेक होगा? टी की तरफ से, क्योंकि टी की तरफ मुंह खुला है। चलिए फिर टी ये रहा ओ ये रहा,
टी से आई पे, आई से ओ पे। वे क्लियर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां तो क्लोज साइन आ गया, तो ए तक ही नहीं जा सकते, फिर आगे कैसे बढ़े? तो ये कंक्लूजन क्या हुआ? ऑटोमेटिकली यही गलत हो गया, क्योंकि वे ही क्लियर नहीं है। नेक्स्ट देखो, एन इज ग्रेटर देन ए, एन से आई पे जाएंगे, आई से ए पे जाएंगे। देखो ये आपका कनेक्ट हो गया आई के थ्रू, तो क्या आंसर आएगा इसका? एन इज ग्रेटर देन ए। वे क्लियर है और साइन तो सेम है ही है, सो दिस कंक्लूजन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है डी इज इक्वल टू ई। जब आपका इक्वल टू आए तो आप किसी भी साइड से चेक कर सकते हो। ठीक है, ई से कर लो, चाहे ई से डी पे आई के थ्रू जाएंगे, ई से टी पे हम नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना। क्यों? क्योंकि वे क्लियर नहीं है। चाहे आप डी से भी खुद चेक कर लो, डी से ओ पे जा सकते हैं पर ओ से एम पे हम नहीं जा सकते, तो वे ही क्लियर नहीं है। तो कंक्लूजन क्या हुआ? गलत हो गया। सो द आंसर विल बी बोथ फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज। ठीक है, बिल्कुल। देखो बेसिक पे आपको प्रीवियस ईयर में गिवन था, ठीक है, तो बेसिक्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, दिस इज ऑफ योर 2019, करिए फटाफट से। एम और एस का है, एस से देखो वे क्लियर है नहीं, किसके थ्रू देखोगे? थ्रू पी, क्योंकि आपके पास तीन स्टेटमेंट गिवन है ना। ठीक है ना, चलो फिर एस से देखो क्या आप जा सकते हो एम तक, एस से टी पे हम नहीं जा सकते। ठीक है ना, एस से पी तक चलेंगे, फिर पी से एम पे, पर हमारा तो यही वे क्लियर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? ये कंक्लूजन यही गलत हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट सॉल्व कीजिए, डी से एस पे जाना है, डी आपका ये रहा, एस ये रहा, ये तो एक में गिवन है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था आपसे। चलो डी से वे चेक होगा, डी से एस वे तो क्लियर है भाई, सारे ही ओपन साइंस हैं और तीन साइन दिए हैं, कौन सा सेलेक्ट होगा? दिस वन। ठीक है ना, तो एस इज लेस देन डी, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डी इज ग्रेटर देन एस, लिख सकते हो ना, तो वही कंक्लूजन में आपको गिवन है। सो सेकंड कंक्लूजन इज करेक्ट। क्या आंसर होगा? ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी आपका 2019 में पूछा गया था, एंड दैट विल बी योर होमवर्क। ठीक है, और इस होमवर्क का आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट सेक्शन में। तो आज की क्लास होती है आपकी यही खत्म, और इस सीरीज की वीडियो आई एम टेलिंग यू अगेन शार्प एट 2 PM हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। सो गाइज, डेली ही आपको 2 बजे जुड़ना है, क्योंकि रीजनिंग आपकी बिल्कुल कम टाइम में बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और कल हम कवर करेंगे इन इक्वालिटीज में आइदर और कंसेप्ट। ठीक है, सो शार्प एट 2 PM। थैंक यू सो मच।